वक्त है बहुत बड़ा खुलासा करने का दोस्तों। घड़ी गंभीर है, वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम इंडिया में पड़ गई है तरार। हिटमैन रोहित और किंग कोहली हो गए एक दूसरे के खिलाफ। इसकी शुरुआत कहां से हुई मैं आपको बताता हूं। किंग कोहली साहब ने शादी की बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से। उनकी दोस्ती हुई गब्बर धवन हमारे शिखर धवन की बीवी आयशा मुखर्जी से, जो कि एक एथलीट है, एक बॉक्सर है, ऑस्ट्रेलियन है। दोनों जिम में फ्रेंड्स बने, क्लोज आए, बट इतने क्लोज आ गए कि बीच में खटास आ गई। इंग्लैंड में जब टीम इंडिया अपनी दुर्दशा करा रहा था टेस्ट सीरीज में 4-1 से हार के, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त खटपट हुई किंग कोहली की रानी और हमारे गब्बर धवन की जोरू में। उसका असर क्या हुआ, इंडिया में जब वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज खेलनी थी, गब्बर भी बाहर, हिटमैन हमारे शर्मा भी बाहर, मुझे ये शक एक डेढ़ साल से था, ना हिटमैन खेलना चाहता है किंग कोहली के अंडर, ना किंग कोहली चाहता है कि वो खेले उसके अंडर, तो उसको टेस्ट टीम से ज़बरदस्ती निकाला गया। मैं मानता हूँ आपकी बात, वो पहले नहीं चला, यहाँ नहीं चला, वहाँ नहीं चला, बट वो एक ओपनिंग बैट्समैन है। और मैं आपको दावा दे के कहता हूँ, अगर हिटमैन को ओपनिंग का चांस दें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी, अगर 8 इनिंग्स होंगी तो 2 इनिंग्स ऐसी खेलेगा कि फाड़ देगा। ये बंदे ने 3 डबल सेंचुरियाँ वनडे में मार रखी हैं, ये क्या कर सकता है टेस्ट क्रिकेट में, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि अनुष्का शर्मा जी टीम मीटिंग, जो टीम सिलेक्शन होती है, उसमें भी बैठती हैं। ये आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब है किंग कोहली का कितना रुतबा बढ़ गया इंडियन क्रिकेट में कि सिलेक्टर्स की कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। इसी वजह से उसके दलाल रवि शास्त्री को मैनेजर रखा गया है और अब तक चलता आ रहा है, जबकि कुंबले जैसा महान क्रिकेटर, अनुशासी क्रिकेटर, राहुल द्रविड़ को बैटिंग कोच बनाया गया था, जहीर खान को बॉलिंग कोच, 3 महान क्रिकेटरों को हटा के इस दलाल को रखा गया। इसी से आप समझ सकते हैं विराट कोहली की आज क्या ताकत है इस देश में, इस टीम में। बट गलती क्या होगी, उसने 2 बार रेस्ट लिया और दोनों बार यंग टीम को कप जिता के आ गया हिटमैन हमारा रोहित शर्मा। तो अब मेरा इस वीडियो डालने का ये अंदेशा नहीं है कि मैं इनकी खटपट हुई है उस पर बात करूं या कोई चुगली करूं। मेरा टारगेट सिर्फ 2019 का वर्ल्ड कप है। वो वर्ल्ड कप हम तभी जीत सकते हैं अगर सारी टीम एकजुट हो, वो तब हो सकती है। ना हिटमैन उस टीम में खेले जा किंग कोहली हो, ना किंग कोहली उस टीम में खेले जा हिटमैन, कंबाइंड कैप्टन बना दिया जाए इन्हें वर्ल्ड कप का। धवन हिटमैन एक तरफ, किंग कोहली महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ। धोनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोहली की कप्तानी बहुत फीकी है धोनी के बिना, वो सब जानते हैं। बट हिटमैन हमारे रोहित शर्मा, वो कूल हेड है धोनी की तरह, उन्हें धोनी की इतनी ज़रूरत नहीं। तो इधर रखेंगे हम ऋषभ पंत, उधर रखेंगे कोहली, उधर धोनी। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब गब्बर धवन और हिटमैन ओपनिंग करेंगे तो कोहली की टीम को नुकसान होगा, पर उस टीम में पृथ्वी शाह नाम का नया जलवा जो आया, वो ओपनिंग करे केएल राहुल के साथ, वन डाउन कोहली खुद आ जाएगा तो टीम संभल जाएगी। बाकी जो बॉलर्स हैं बुमराह भूवी, उनका बंटवारा हम आराम से कर सकते हैं, बट इस टीम का बंटवारा होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर इनको इकट्ठा खिलाया गया
चाहे कोहली की कप्तानी में हिटमैन खेले या हिटमैन की कप्तानी में कोहली खेले, वो नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी दूसरा उठाए। इसलिए देश के लिए ये बात फायदे में नहीं है। तो हिंदुस्तान के हित में, देश के हित में चाहता हूँ कि दो कप्तान बना दिए जाए वर्ल्ड कप में, तो आगे भी जो कप हों ये लोग अलग अलग खेलें। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम, हमारे पास ऐसे 22 प्लेयर हैं जो 11-11 की दो अलग टीम बना के खेल सकते हैं। हिटमैन प्रूव कर चुका है दो कप जिता के। देश पहले इंडिविजुअल्स बाद में, मेरी तो भैया यही गणित है, यही सोचने का ढंग है। इसीलिए तो मैं ब्रांड अमित करता हूँ, इस विश्व का नंबर एक क्रिकेट एनालिस्ट, मूवी क्रिटिक, एंटरटेनर, इंडिविजुअल, इंडियन, हर चीज़ में नंबर वन। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखो और इसी हिसाब से आगे चलो। आपका दोस्त, आपका होस्ट द ब्रांड अमित तत्ता आता रहेगा आप लोगों का सच से सामना करवाने के लिए, क्योंकि हम हैं तभी तो जीवन है। दुआ में याद रखिएगा।